कि अडानी का मामला हुआ तो उनके जो मालिक हैं गौतम अडानी साहब, उन्होंने मुझे 5 करोड़ का डिफेमेशन ठोका। बताइए इस देश में धर्म युद्ध है कि नहीं, जब एक तरफ अजान की बात हो रही हो, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा की बात हो रही हो और राइट्स, कम्युनल राइट्स फैल रहे हो, तो क्या उसको धर्म युद्ध नहीं कहेंगे, तो क्या मोदी युद्ध कहेंगे उसको? अगर जिम्मेदार है तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि गोली मारो डैश 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 सालों को जो कहा, तो वो ये जो कथन है, ये जो भाषण है, कितने चैनल पे चले हैं, क्या वो तमाम चैनल बंद हो गए? कहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार गद्दी से उतरो, तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी आप गद्दी छोड़ दो, क्या मुझे यूएपीए लगा देंगे? देश का जो राजा है वो मेरे से ज्यादा देशद्रोही है और मैं चैलेंज करूंगा इसको। आई चैलेंज नरेंद्र मोदी जी, आई चैलेंज अनुराग ठाकुर जी, आई चैलेंज स्मृति ईरानी जी कि आप आइए मुझसे बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए कि किस आधार पर आपने एंटी नेशनल का तमगा लगाया है। मेरा नाम देव चौधरी है और मैं लोकतंत्र टीवी चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ कि स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती है, वाइन बेचती है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ हैं देव चौधरी जी, हाँ, जो एक अपना चैनल चलाते थे जिनका चैनल अब बंद हो गया है, जिस चैनल का नाम था लोकतंत्र टीवी, आप लोग जानते ही होंगे। 8 चैनल ऐसे बंद किए गए हैं जिनमें एक पाकिस्तानी चैनल था, बाकी 7 इंडिया के चैनल थे। तो क्या कुछ रहा है इन्हीं से जानते हैं, आखिर आपके चैनल को ये सरकारी संस्थानों ने क्यों बंद कर दिया? देखिए, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है इतना मोहब्बत करती है, करते हैं वो मेरे से, कि वो पल पल की खबर, पल पल की अपडेट जो है वो लोकतंत्र को देखकर जो है मानते थे। नरेंद्र मोदी सरकार मुझे देखती है, मैं इस बात से खुशी है कि अडानी का मामला हुआ तो उनके जो मालिक हैं गौतम अडानी साहब, उन्होंने मुझे 5 करोड़ का डिफेमेशन ठोका, उस वक्त भी 9 दिन के लिए चैनल बंद रहा। और आज जब दलितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, इस देश भर की हिमायतों की आवाज़ को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुझ पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे चैनल ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करवा दिया है। ये लड़ाई लंबी है। MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर्स हैं, मिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, उनके हवाले से तमाम जो है काम किए गए हैं। लेकिन मुझे हैरानी नहीं है, मुझे, मैं खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार मुझे देखती है, नरेंद्र मोदी जी मुझे देखते हैं, अनुराग जी मुझे देखते हैं, स्मृति ईरानी जी मुझे देखते हैं। तो इसलिए लड़ाई लंबी है, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मेरे ऊपर जो तमगा लगा है एंटी नेशनल का जो तमगा है, हम वो हटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, नरेंद्र मोदी का विरोध करना, अमित शाह का विरोध करना, स्मृति ईरानी का विरोध करना, क्या वो एंटी नेशनल है? क्या भाजपा का विरोध करना भारत का विरोध है? ऐसा है क्या जो आज माहौल बन गया हिंदुस्तान में, इस भारत में, कि अगर आप भाजपा का विरोध करेंगे तो वो कहेंगे कि इस देश का विरोध कर रहा है, भाजपा देश नहीं है और ये जो देश है ये अजर अमर है, इस देश का मैं वासी हूँ, मेरे दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, फ्रीडम फाइटर थे, हम लड़ेंगे साथी और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर आपके ऊपर तो अब जो है देश विरोधी जो है टैग लग गया है, आपके ऊपर तमगा लगा दिया गया है, देश विरोधी, ऐसी क्या गतिविधियां कर रहे थे आप, देश विरोधी कह दिया गया? तो वो कह रहे हैं कि आपने जो हेडिंग लिखा है, हाँ, वो हेडिंग है कि धर्म युद्ध छिड़ गया देश में। हाँ। बताइए इस देश में धर्म युद्ध है कि नहीं, जब एक तरफ अजान की बात हो रही हो, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा की बात हो रही हो और राइट्स, कम्युनल राइट्स फैल रहे हो, तो क्या उसको धर्म युद्ध नहीं कहेंगे, तो क्या मोदी युद्ध कहेंगे उसको? धर्म युद्ध है। और अगर मैं उसको साबित नहीं कर पाया तो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया लोकतंत्र टीवी को बैन करके कि सच में ये धर्म युद्ध है। दूसरा, मैंने कहा कि मक्का मदीना जो है हमला किया जा रहा, मक्का मदीना पर देश ऐसे में बचेगा नहीं, स्थिति नाजुक है, वो क्यों कहा उसके अंदर का मैं बता रहा हूँ। मक्का मदीना में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो मकेश्वर महादेव हैं, यानी कि वो शिवशंकर का रूप है मक्का मदीना, इसलिए तमाम धर्म के जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जिसे हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, लोग मुझे भी हिंदू कहते हैं, जिसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि वो हम उसको कब्जा करेंगे, मक्का मदीना हमारा है, तो क्या मक्का मदीना पर ये हमला नहीं है? ये हमला है। और अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो अरब देशों से हमारे क्या संबंध होंगे और वहाँ के जो काम करते हैं,
जो मजदूर हैं भारत के, उस मजदूर को भारत में क्या क्या होगा, बेरोजगार होंगे, तो ये देश की हालत तो ऐसे ही नाजुक है, इसलिए मैंने उसको लिखा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम चैनल चलाते हैं तो हम एक जरिया हैं, हम एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, यानी कि नरेंद्र मोदी की मीडिया, वो आपकी बात नहीं रखता, इसलिए मैं उसको प्लेटफॉर्म देता हूं कि आप आइए हमारे यहां बात रखिए। और उसमें साफ साफ लिखा जाता है बोल्ड अक्षर में कि इस चैनल पर बोलने वाला वक्ता जिम्मेदार होगा, लोकतंत्र टीवी जिम्मेदार नहीं होगा, कोई न्यूज चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर जिम्मेदार है तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि गोली मारो डैश 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 सालों को जो कहा, तो वो ये जो कथन है, ये जो भाषण है, कितने चैनल पे चले हैं, क्या वो तमाम चैनल बंद हो गए क्या? भाई वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो अगर बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। नहीं बोल सकते, आप लिखते हैं बकरी ईद जो है मनाने नहीं दिया जा रहा, इनके त्योहार को जो है नहीं मनाने दिया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं हुआ है भाई, आपके थंबनेल भी दिखाए हैं। तो थंबनेल दिखाए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी ऐसा थंबनेल जो अपने मन से मैंने लिखा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार UAPA डाले मेरे ऊपर, वो जाए कि भैया ये एंटी नेशनल है देव चौधरी, ये एंटी नेशनल है जाए। मैंने थंबनेल में वही लिखा है जो लोगों ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं जिन्होंने कहा है, वो वही शब्दों का इस्तेमाल मैंने उस थंबनेल में किया है, तो इसलिए इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका जिम्मेदार अगर आपको कार्रवाई करना है तो उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट पर आप कीजिए कार्रवाई, और सोशल एक्टिविस्ट से भी पहले देश का वो नागरिक है, आप नागरिक पर कैसे कर सकते हैं? ये यूट्यूबर्स बताया जाता है लगातार, जो है मीडिया भी बताती है कि भाई, और सरकारें भी बताती है, यूट्यूबर्स से डिग्री नहीं होती और लेकर जो है ये फोन और माइक लेकर चल देते हैं और अलग अलग तरीके के ऐसे गतिविधियां करते हैं कि सरकार को, जर्नलिज्म को थोपा। मैं मोदी सरकार को कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, मैं MIB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को कह रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन करा है, उस यूनिवर्सिटी में RSS का दफ्तर चलता है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर चलता है, उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है शिवराज सिंह चौहान, उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है डिप्टी जो उपराष्ट्रपति हैं, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं, माखनलाल यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, वहाँ भी टॉप किया था, और आज उस यूनिवर्सिटी में RSS का दफ्तर है, वो RSS का ऑफिस है। अगर मुझे कोई ये कहे कि ये जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आए नरेंद्र मोदी, कहे कि भैया मुझसे मांगे, मैं अकाउंटेबिलिटी तय करता हूँ। नरेंद्र मोदी कौन है अकाउंटेबिलिटी तय करने वाला कि ये जो पैमाना, कौन सा पैमाना है जिस पर किसी इंसान को ये कह देता है कि ये एंटी नेशनल है? पैमाना बताए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर क्या एंटी नेशनल का तमगा लगेगा? ये सबसे बड़ा पैमाना है क्या? अगर ऐसा पैमाना है तो इस पैमाने को मैं लात मारता हूँ और मैं फिर से ऐलान करता हूँ, बिल्कुल इस पैमाने को लात मारता हूँ। अगर मेरे को कोई कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार गद्दी से उतरो, तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी आप गद्दी छोड़ दो, क्या मुझे UAPA लगा देंगे? नहीं लगा सकते, मेरा राइट्स है, मैंने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1) में ये प्रावधान है, फ्रीडम है कि मैं इस पर बोल सकता हूँ, आज़ादी है बोलने का, और मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप UAPA डाल देंगे, आप मुझे एंटी नेशनल का तमगा लगा देंगे। अगर एंटी नेशनल का तमगा नरेंद्र मोदी लगाएंगे तो मेरे से ज़्यादा देशद्रोही इस देश के राजा हैं, राजा प्रधानमंत्री नहीं, राजा, इस देश का जो राजा है वो मेरे से ज़्यादा देशद्रोही है, और मैं चैलेंज करूँगा इसको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ न्याय संगत व्यवहार करेंगे। माफी मांग लीजिए ना उन लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से जी न्यूज में अमन जो थे एंकर थे, उन्होंने माफी मांग ली ना। और इस तरीके से जो नेशनल मीडिया में गलती हो जाती वो माफी मांग लेते, वो चैनल बंद नहीं होते। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगेंगे, मैं लड़ूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई चैलेंज नरेंद्र मोदी जी, आई चैलेंज अनुराग ठाकुर जी, आई चैलेंज स्मृति ईरानी जी कि आप आइए मुझसे बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए कि किस आधार पर इस बिहारी अदना सा लड़के को आपने एंटी नेशनल का तमगा लगाया है। ये क्रांति है, दरअसल ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, और आपको मालूम है कि क्रांति की जब शुरुआत होती है तो मेरे से ही होती है। लगातार दूसरी बार आपके चैनल पर शिकंजा साहब, अडानी साहब मेरे से परेशान होते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ ना। हाँ। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आप जवाब दीजिए। हाँ।
कि जो बैंक में फ्रॉड हो रहा है वो कहाँ गया। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, अरे भैया बीफ खाते हैं आपके किरण रिजिजू, बताए क्या मिनिस्ट्री मीडिया चलाएगी कि ये बीफ खाता है। मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी की बेटी को, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मेरी बेटी बच्ची है, कॉलेज की स्टूडेंट है, क्या उसको मिनिस्ट्री चला सकती? नहीं चला सकती है, उसको मैं चलाता हूँ। मेरा नाम देव चौधरी है और मैं लोकतंत्र टीवी चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ कि स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती है, वाइन बेचती है, इसलिए मेरे पे हुआ। तो मैं डरता है, मुझे मालूम था कि अरे काय को डर लगेगा यार, हिंदुस्तान के लोग हैं हम, भारत के लोग हैं, हमने जंग लड़ना सीखा है, हम लड़ेंगे। हमारे जो बाबा थे, हमारे जो दादा थे, दादाजी, वो लड़े थे अंग्रेजों से, हम इस भाजपा के तानाशाह सरकार से लड़ेंगे जिसने मुझे एंटी नेशनल का तमगा दिया है। उनके पीछे तो लाखों लोग हैं, आपके पीछे कोई भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, लड़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकेले क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे ना अकेले। देव चौधरी नाम है, इंशाअल्लाह बोल रहे हैं। तो क्या खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? खुदा का नाम लेने में दिक्कत है क्या? खुदा के घर देर है अंधेर थोड़ी है क्या? खुदा के घर देर है अंधेर थोड़ी है क्या? नरेंद्र मोदी टोपी लगा सकते हैं, हमारे राजा जो हैं यशस्वी राजा, अगर वो टोपी लगा सकते हैं तो मैं अल्लाह का नाम नहीं ले सकता क्या? ले सकता हूँ। ये समावेशी लोकतंत्र है, ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, इस देश में बोलने की आज़ादी है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और ये देश जो है संविधान से चलेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, हमारे देश के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, मैं उसको पालन करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे? चैनल को बंद, लड़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, अभी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बात हुई है एक दो एडवोकेट से, हम लोग अभी मीटिंग करेंगे कि हम जो है जो मोहब्बत मुझे 4 सालों में देश की जनता ने दी है, हम उसको फिर से कैसे वापस करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, हम इसको पूरा करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देव चौधरी थे, लोकतंत्र टीवी चैनल को चलाते थे, जो यूट्यूब चैनल है उसको चलाते थे। लगातार दूसरी बार जो है लोकतंत्र टीवी पर शिकंजा कसा गया है, लगातार दूसरी बार जो है उसको बंद कर दिया गया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी द्वारा जो है MIB जो संस्थान है, जो इसको देखता है, उसके तहत इसको बंद किया गया है, देश विरोधी जो है बता दिया गया है, यानी कि देश विरोधी टाइप के इस पे जो है खबरें दिखाई जा रही थी, इस तरीके के थंबनेल इस्तेमाल किए जा रहे थे, धर्म युद्ध जैसा जो थंबनेल लगाया गया था उस पर इन्होंने शिकंजा कसा है। तो सोचिए आप, जो अब कोई आज़ादी की बात करता है या फिर सरकार से सवाल करता है तो ऐसे यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल मीडिया पर बैठने वाले जो एंकर हैं लगातार, जिसका मैं नाम भी लेती हूँ, जी न्यूज़ आज तक, अंजना ओम कश्यप, चाहे वहाँ पर जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी हो, जो लगातार जहर घोलते हैं, लगातार इस तरीके के लोगों को जो इकट्ठा करते हैं और उनको आतंकवादी बनाने का काम करने वाली ये मीडिया लगातार इसी तरह से जहर घोलती है, उस मीडिया पर कभी भी शिकंजा नहीं कसा जाता है, उस मीडिया को कभी बंद नहीं किया जाता है, उनके माफ़ी मांगने से वो चैनल चल पड़ता है। जी हाँ, लगातार वहाँ पर जो है माफ़ी मांगने से चैनलों को रिहाई मिल जाती है। तो सोचिए अभी देव चौधरी जी हैं, जिस तरीके से उनके साथ हुआ, वो संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत जो है वो लड़ेंगे और जो है अब कानून के प्रक्रिया के तहत अब लड़ाई लड़ेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी द्रमेन के साथ में पूजा, जनता।